रुपयांची प्रत्येकाने देऊन जावी, 5,100 रुपयाची अंतरक्षशिला, 2100 रुपयाची समोषणशिला आपण देऊ शकता। चल परम पूज्य संत शरणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। जलो परम पूज्य संत शरणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। जलो परम पूज्य संत शरणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। आज के दिन आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, उनके नाम ले रहे वो सब परिवार आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे। विमल उत्तम राव सातपुते, इनके स्मरणार्थ उत्तम राव केशवराव सातपुते लातूर निवासी, इन्होंने 3,51,000 रुपए की सहस्कुट का एक जिन चिंतालय निर्माण करने का यह भाव रखा है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। आप दान की अनुमोदना कर सकते तालियां बजा करके सभी लोग। नीरज जी जैन, श्रीमती सुषमा जैन, सिया जैन, स्वयं निजिता जैन, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए एक सहस्कुट जिनालय के लिए 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करें। स्वर्गीय मोदी महेंद्र कुमार जी जैन पटना वाले, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की दान राशि या एक जिनालय की स्वीकृति दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तृप्ति एंड प्रवीण, डॉक्टर प्रवीण गोरे मुंबई निवासी, इन्होंने सहस्कुट जिनाले के लिए 2,02,202 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। शांतिलाल जी गुणमाला देवी पाटोदी कलकत्ता निवासी, इन्होंने वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। गुप्त दान के रूप में वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति आई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उज्ज्वला जैन आशीष जैन बड़ौदा गुजरात निवासी, इनके द्वारा भी वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति आई है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। संजय कुमार जी कास्तीवार ग्वालियर निवासी, इन्होंने छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। श्रीमती प्रभा देवी अर्चना सम्यक जैन चिरीमिरी निवासी, इन्होंने सुवर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। माधुरी जैन सौ सुनंदा उमेश चंद सरोदय नागपुर निवासी, इन्होंने 2,02,202 की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। अपेक्षा विनोद वैद्य कारंजा लाड निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की एक वेदी के लिए दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। रोहित सुनील दांड सांगली तुपारी निवासी सांगली जिला, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। राजकुमार अमन कुमार जैन नयाश जैन गुना निवासी, इन्होंने भी 1,00,000 अरिका मधुरमती माता जी के ग्रस्त जीवन का ये परिवार है, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति यहाँ पर दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। आज यहाँ परम पूज्य निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज जी, इनके चौमासा स्थली बंडा से यहाँ सकल जैन समाज के प्रतिनिधि आए। वे प्रतिनिधि के रूप में एक दो लोग आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अनिकेत का नाम अनिकेत जैन दिल्ली निवासी,
इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे नेता जबलपुर वे भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में यहाँ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करी। ब्रह्मचारी डॉक्टर वकील भैया जी आए, वे भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करी। आज यहाँ पूजन करने के लिए परम पूज्य निरापद श्रमण वात्सल्य मूर्ति समता सागर महाराज जी के पावन सानिध्य में 2007 में जो पंचकल्याणिक हुआ वहां से नेर परसो पंत से यहाँ पूजन करने के लिए लोग आए हैं। उसी के साथ नागपुर बाहुबली नगर नागपुर से भी श्राविका और महिला मंडल यहाँ पूजन करने के लिए आए हैं और उमरखेड़ से भी यहाँ श्राविका मंडल पूजन करने के लिए आए हैं। पूजन प्रारंभ कर रहे सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे और पूजन प्रवचन के लिए पूजन प्रारंभ करेंगे। दीदी जय बोलो चंद्रगिरी के श्री चंदा प्रभु भगवान की। मेरे मन वीणा के तारे हरदम गुरु का नाम पुकारे, मैंने गुरु से लगा ली लगन। आचार्य श्री जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत चरणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिन्द्र अत्र अवतर सवर्षिति आह्वाननम्। जय हो अत्र तीर्थतीर्थोट स्थापनम्। आत्रम सन्नितोट स्थापनम सनदीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतल तापाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय संसार तापिनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने का यह भाव हृदय में लाया।
ओम रूम परम पूज्य संत शरमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय कामबाणी विनाशाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। इस क्षुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जलाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शरण आचार्य भगवान विद्या सागर महामंत्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शरण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम रूम परम पूज्य संत शरमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से ज्ञान आता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शरण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वा। नमस्तु भगवान नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु देव्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः।
अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय लो परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की। समस्त आचार्य संघ की। हम कभी यह सोच नहीं पाते कि कषाय कैसी सूक्ष्म वस्तु है। कषाय जो कर्म का उदय में आया उसके माध्यम से हमारे उपयोग में हल चली आ जाती है। जितने भी आप संयत बन करके देखो तो भी हलचली आती है। इसलिए हलचली आती है इसलिए तो संयम को छोड़ देना चाहिए। ऐसा निर्णय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु कषाय जो करने की प्रवृत्ति थी उसके लिए बहुत कुछ लगाम लग गया है। किंतु कुछ तो भाव होते हैं उसके बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। नहीं भी सोचते हैं तो कभी कभी इधर उधर की बातें भी आ सकती। इसलिए कोई न कोई विषय बिंदु लेने से उसमें कुछ बहुत कुछ पुरुषार्थ की भूमिका हम अदा कर रहे हैं ऐसा महसूस होता है। इसलिए कर्म बंधे उदय में आते हैं इसलिए हम भोगना ही पड़ेगा, ऐसा जैन सिद्धांत नहीं है। अन्यथा फिर पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़े तो पुरुषार्थ ही करते रहो, अहम भाव मत करो, आप ऐसे नहीं कर सकते। तैराक हो, तैरना जानते हो, मैं जानता हूँ कि आप तैराक हैं, किंतु जिस समय बहुत वर्षा हो जाती है और नदी में बाढ़ आती है उस समय आप तैरने वाले कहाँ रहते हैं? आपकी तैरने की कला वहाँ पर काम में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? पानी का प्रवाह इतना तेज है कि आपकी शक्ति को वह डुबो करके आगे आपके ऊपर से चली जाती है। तो इस प्रकार पानी के प्रवाह के कारण हम प्रवाह के बीच में आ जाते हैं। कितने भी हाथ पटको, पैर मारो, कुछ भी करो, नहीं हो पाता। इसलिए बनती कोशिश क्या पुरुषार्थ करें, हम सीधे न हो करके थोड़े इस धार को काट सकते हैं। उसके काटने से प्रवाह में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हमारे रुख इस ओर होने से थोड़ी सुविधा उसको भी दे दो और थोड़ी सुविधा उससे तुम भी ले लो। तो यूं करते 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 एकदम होता। महाराज इससे भी और कोई भी विशेष उदाहरण दे हो तो, चला रहे हैं 90 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी आपकी है, और चूंकि चूक करके सामने वाला व्यक्ति अथवा पीछे वाला व्यक्ति वह नियंत्रण करते हुए भी गाड़ी के ऊपर नियंत्रण पा नहीं रहा है, तो क्या करता है कि हॉर्न दे देता है। हॉर्न देते आप सजग हो जाते हैं और गाड़ी को सीधा न चला करके साइड से
साइड देव कहने की अपेक्षा से साइड लेव साइड लेव साइड घ्या 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 ऐसा भी सोचा जा सकता। तो ये दो के लिए एक पुरुषार्थ का आपका काम काम कर रहा है। ये इससे भी यदि शांति नहीं हुई समाधान नहीं हुआ तो क्या करो, ब्रेक तो नहीं लगा सकते, ब्रेक लगाते ही गोला डालेगा, 90 किलोमीटर स्पीड है तो क्या करते हैं, ब्रेक धीरे धीरे लगाते हैं। दो प्रकार के ब्रेक होते हैं, एक तो पीछे के ब्रेक होता है और एक सामने के भी कब होता है, और तीसरे नंबर में दोनों को एक साथ लगा देना बहुत कठिन होता है महाराज। तो उस समय उस गाड़ी को मानो ब्रेक लगाते जा रहे हैं तो यहाँ पर ब्रेक लगाना प्रारंभ कर दिया, वहाँ पर जाकर के रुकता है आपका वाहन। ये सब क्या हो रहा है, और अपने हाथ में ब्रेक रखो किंतु दबाओ नहीं, दबाना आवश्यक हो जाता है। दबाने से कुछ कार्य हुआ है क्या, नहीं हुआ। हम संयम रखे, हम संयम यदि नहीं रखते हैं तो वह वाहन अपने ऊपर से ही जाएगा, अथवा सीधा वह नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, वो भी सूरज वो भी जानता है कि मैं रॉन्ग जा रहा हूं, मेरी यह साइड ठीक नहीं है, ये दिशा ठीक नहीं, लेकिन ठीक नहीं करते हुए भी वह नियंत्रण में नहीं रख पा रहा। इसलिए 90 किलोमीटर का लोभ छोड़ दो, नहीं समझे, नहीं जाने की अपेक्षा से क्या लिखते हो बोर्ड पर देखो तभी तुम्हें दिखेगा, नहीं जाने के अपेक्षा पहुंचने की अपेक्षा, यानी नहीं पहुंचने का मतलब ऊपर पहुंच जाएंगे इस अपेक्षा से तो देर भली है। हाँ घटना दुर्घटना से बात ही कही है, दुर्घटना से बचने का एक ही मात्र उपाय है, कषाय है लेकिन वो उत्तेजना बहुत है तो उसको कुछ ब्रेक लगाया जा सकता है, इसमें अपने पास क्षमता विद्यमान है। ऐसी गियर भी रखी हुई है जिसके प्रयोग करने से वह नियंत्रण में आ सकता, फिर भी वह क्या करें, हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो यदि साइड में कोई चढ़ाव हो, चढ़ाव समझते हो हाँ, तो उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास कर दीजिए, संभव है आपकी गाड़ी उसमें रुक सकती है। ये सारे सारे उदाहरण एक प्रकार से शास्त्रों में दिया हुआ है, इसके आप प्रयोग करते हैं नहीं करते तो आप जानो, लेकिन साधु बैठे बैठे ही इसका नियंत्रण करने में लगे रहते हैं। यदि नहीं है तो पुरुषार्थ वस्तु कोई चीज ही नहीं शुद्ध होती है, और हमारा अज्ञान कितना अनियंत्रण है ये भी कह देंगे। उसको नियंत्रण में रखो, जो कुछ भी ज्ञान है उसको नियंत्रण में रखना, यह तात्कालिक व्यवस्था नहीं त्रैकालिक व्यवस्था है। आज तक हमने इस पुरुषार्थ को अपने जीवन में नहीं अपनाया, उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के जो संयम रखता है नहीं रख पा रहा पूर्ण, ये बात अलग है, लेकिन वहाँ अंतर्दृष्टि के माध्यम से उसको बार बार नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। इसलिए आपको चाहिए
अपने गाड़ी को अच्छे रखो, ब्रेक भी अपने नियंत्रण में रहे, किंतु यदि आप लोग ब्रेक फेल कर हो गया तो फिर तो छोड़ नहीं सकते और उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि फेल हो चुका है, क्या कर सकते हो। ये काम है अब इसके फेल को बंद कर दो। तेल यदि बंद हो गया तो पूरा का पूरा काम आपका हो जाएगा, लेकिन बहुत कठिन है ये विषय, कई व्यक्ति इसको कर नहीं पाते। इस प्रकार आप अपनी गाड़ी को नहीं संभालते हो तो बेच देना चाहिए गाड़ी को। महाराज इस प्रकार की गाड़ी को कौन खरीदेगा? फोकट में भी मिल जाए तो हम तो नहीं ले पाएंगे भैया, फिर भी दया तो आती है, करुणा तो आती है। मैं भी एक समय में ऐसे ही सोचता था, किंतु अपने आप को संभालते हुए संत लोग हम लोगों को भी संभालने का प्रयास किए हैं, कर रहे हैं, उनके प्रति प्रणाम रखते हुए अपने पुरुषार्थ को याद करते हैं कि उन्होंने हम लोगों के ऊपर बहुत उपकार किया है और हमारे गाड़ी को जो एक्सीडेंट होने वाले दुर्घटना होने वाली थी बचा दिया। बचाया क्या नहीं बताओ? हाँ, प्रत्येक माता पिता अपने इन बच्चों की गाड़ी को बहुत संभालते आते हैं, बच्चे समझे तो, नहीं समझे तो क्या करेंगे बताओ, है ना कर्तव्य। इसीलिए आप लोग अपने आप को भी संभालते हुए औरों को भी संभालने का कर्तव्य अपनाओ। अहिंसा परमो धर्म की जय। लो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की सभी लोगों से निवेदन है। आचार्य जी मंदिर जाते समय रास्ते के दोनों किनारे खड़े रह करके आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आचार्य जी जब चलते हैं तब उनके चरण स्पर्श करने का कोई भी प्रयास न करें। आचार्य जी जब पैदल चलते हैं तब उनको चरण स्पर्श करने का कोई भी प्रयास न करें। आचार्य के बाद आचार्य जी यहाँ आके फिर से विराजमान होते हैं तब आप सब लोगों को दर्शन भी हो सकता है, और भी कुछ लोगों को दानदाताओं को दान देना है तो उस समय भी श्रीफल अर्पण आपके द्वारा किया जाएगा। आचार्य जी मंदिर जाएंगे, अभी रास्ता अच्छे से बना के रखना है। सभी लोगों से निवेदन है अच्छा रास्ता बना के रखिए, पर्याप्त रास्ता बना के रखिए। आचार्य जी जब पैदल चलते हैं तब चरण स्पर्श करने का कोई भी प्रयास न करें। इसी के साथ आइन समय पर 16 पन करके दूसरों के चौके में कोई भी नहीं जाएंगे, जिनके चौके हैं